हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कल रादौर विधानसभा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जानकारी कांग्रेस विधायक एवं प्रत्याशी बिशनलाल सैनी ने दी। कांग्रेस प्रत्याशी बिशनलाल सैनी ने कहा कि रादौर में कांग्रेस पार्टी का एक तरफा माहौल है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कल एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की आंधी चल रही है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र के बारे में बोलते हुए कहा कि घोषणा पत्र में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। बिशनलाल सैनी ने बीजेपी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी बुरे तरीके से हार रही है, यही कारण है कि रादौर में कभी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को तो कभी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तो कभी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर को रादौर में प्रचार करना पड़ रहा है, लेकिन अब कोई भी आस बीजेपी के साथ लोगों की नहीं है। उन्होंने कहा कि अब कोई फर्क भी पड़ने वाला नहीं है, हरियाणा में कांग्रेस मजबूती के साथ सरकार बनाने जा रही है। कल हुड्डा साहब हरदौर के अंदर आएंगे और एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। जैसा कि पहले आपको पता है कि हरदौर के अंदर कांग्रेस की आंधी चली हुई है और उनके आने से और भी ज़्यादा हवा फैलेगी। कांग्रेस पार्टी ने इतना बढ़िया घोषणा पत्र जारी किया है कि उसमें गरीब की भी बात की गई है, दुकानदार की भी बात की गई है और साथ ही साथ किसान की बात करी गई है, कच्चे कर्मचारियों की बात की गई है और जो खाली पद पड़े हैं उनकी बात की गई है। सर राघव देखिए, जब कोई पार्टी हार रही हो, अब भारतीय जनता पार्टी हार रही है, यहाँ पर कभी किसी को लेके आ रही है, कभी किसी को लेके आ रही है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं हुआ करता। लोगों ने मन बना लिया है और मन बना करके लोग कांग्रेस को जिताना चाहते हैं। इनके आने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे वो योगीनाथ हो और चाहे वो नायब सैनी हो, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर हो। ये तो पहले भी यहीं थे। योगीनाथ अपने यूपी में तो यूपी को तो बचा नहीं सका। रही बात हरियाणा प्रदेश में नायब सैनी की, नायब सैनी अपने लाडवे के तो बचाए पहले, हरदौर में तो बाद में आओ।